पता तो कल ही देता, मगर मैं कल मॉर्निंग से कल शाम तक मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में था, मैंने आपको बताया था। और कौन ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ेगा आपको? कल जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी, किसी कैमरा को लेके उसका कैमरा ओपन नहीं हो रहा था, किसी की साइट ओपन नहीं हो रही थी, किसी की केवाईसी नहीं हो रही थी, एक सेकंड में होगा। और मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपके घर में दो तीन केवाईसी है ना, तो दो तीन फोन से कर लेना। देखो इतने बड़े बड़े मतलब चेन्स को सपोर्ट कर रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट मोटा पैसे देने वाले होते हैं जो आने वाले समय में बाइनेंस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट होते हैं। जैसे लिंक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लेस्ट गो पे नीचे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आना चाहिए, नीचे साइन अप का ऑप्शन नहीं आना चाहिए जब आप पहली बार अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आना चाहिए, मतलब यहाँ पे साइन अप, तो ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ईमेल पे इस प्रकार से कोड आएगा, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे सेम ईमेल आईडी से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। अब यहाँ पे देखो, आपको कल जो 3x रिवॉर्ड मिल रहा था, आज आपको कल 1500 टोकन मिल रहे थे। क्या ही करूं, कल मैं इतना मजबूर पड़ गया, नहीं तो कल ही मैं इसको बता देता, ठीक है। तो 3x रिवॉर्ड खत्म हो गया है, अब सिर्फ यहाँ पे आपको 500 टोकन मिलेंगे जो कल यहाँ पे नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, अब यहाँ पे साइन अप ये लिखा है ना, साइन अप B2 क्रेडिट लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, स्टार्ट KYC पे क्लिक करना है, स्टार्ट KYC पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको स्टार्ट KYC पे क्लिक करना है, एंड इसको ऊपर करके और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब एक्सेप्ट करोगे, देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है सिर्फ, जब तक ये वाइट वाला ओपन नहीं होता है। ट्रैफिक होगा तो ये रॉकेट चलता रहेगा, नहीं तो एक ही बार में हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई अपनी आइडेंटिटी डालो, यहाँ पे चूज डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे ही यहाँ पे आपको अपनी कंट्री डालनी पड़ेगी, जैसे ही यहाँ पे आप कंट्री डालोगे ना, आपकी कंट्री में जो भी डॉक्यूमेंट्स ये सपोर्ट करता होगा वो कर देगा, मतलब अलाउ कर देगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी मैं पहले पैन कार्ड यूज करूंगा। पैन कार्ड क्या होता है ना, इंटरनेशनली आईडी होती है आपकी, और आधार कार्ड तो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रंट फोटो लो, मगर मैं आपको बता दूं, ये वाली दिक्कत जिसको आ रही थी वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। आपको अपने सेटिंग में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है OBER। जैसे यहाँ पे ये लिखोगे ना तो ये आ जाएगा डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो अपने आप ब्लिंक करने लगा, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, इस पर आपको करना है क्लिक। अब इस पर जब आप क्लिक कर दो तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, नॉट अलाउड। यहाँ पे ये देखो, ये ब्राउजर का मेरा अलाउड का है, तो जब तक ये अलाउड रहेगा तो आपका कैमरा ओपन नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, इस प्रकार से डिसेबल कर देना है। डिसेबल करोगे सारे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे ये अलाउ हो गए, मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैक जा, ये वाला ऑप्शन बहुत ही जरूरी है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल बाहर आ जाना है बाहर। अब यहाँ पे ऐप पे क्लिक करना है, ऐप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना क्रोम ढूंढ लेना, कैसे भी करके क्रोम पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना परमिशन का ऑप्शन, इस पर एक बार क्लिक करना। अब इस पर जब आप क्लिक, सॉरी गाइस, उस पर नहीं, पहले इस पर क्लिक करना, जाना उस पर भी, उस पर बाद में जाना है, इस पर मोबाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना टोटल वगैरह, इस पर आपको क्लिक कर, वो नहीं, आपको ये स्टोर एंड क्लियर कैच वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे क्लियर स्टोरेड कर देना है। आपको यहाँ पे ये दिखा है ना क्लियर ऑल डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ये आपको पहले कर देना चाहे बाद में कर देना, ये मैंने देखो दोनों कर दिए। अब आप अपने क्रोम को ओपन करना, एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करना, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करके उसके बाद इस साइट पे आना, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे जाना, ये आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको साइट सेटिंग पे क्लिक करना है। साइट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ कर देना, सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये पॉपअप लिखा है, इसको भी आप यहाँ पे अलाउ कर देना, बाद में आप कर देना। यहाँ पे जैसे कैमरा लिखा है तो कैमरा को भी यहाँ पे अलाउ कर देना। ये काम अगर आप पहले करोगे तो आपका नहीं होगा, जो मैंने पहले वाला टास्क बताया ना उससे 100% ट्रिक वर्क करेगी। उसके बाद मैं आता हूँ चूज डॉक्यूमेंट्स पे, सेम उसी प्रकार, सबसे पहले मैं फ्रंट का दूंगा, फ्रंट अपलोड कर दूंगा। अब ये कहेगा भाई बैक का दो, ये देखो यहाँ पे लिख दिया ना बैक। अब आप अपने डॉक्यूमेंट उल्टा कर देना। अब बैक का भी जब अपलोड कर दोगे तो कहेगा भाई अब आप अपनी अगर आपके चेहरे पे कोई जैसे गूगल वगैरह, जैसे चश्मा वगैरह लगा हुआ है, उसको हटा लो और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब फाइनली यहाँ पे आपको इनेबल कैमरा करना पड़ेगा, और जो दिक्कत मैंने आपको बताई थी वो टास्क आप पहले कर लेना, फिर यहाँ पे आपका डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यही बताएगा कि आप बबल ओवर लेयर ऐप को डिसेबल करो। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ही बार में मेरा कैमरा ओपन हो गया है।
और फाइनली आपको ये थैंक यू का ऑप्शन आ जाएगा। थैंक यू ऑप्शन आने के बाद आपको वेट करना है और यहाँ पे आपको नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये चीज़ डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे आप अपना नाम और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना, 1 2 3, यहाँ पे आप कुछ नहीं डाल सकते। ओके, वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, इस प्रकार से कंट्री कोड सिलेक्ट करके नंबर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब आपको इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, KYC वेरिफिकेशन करेंटली प्रोसीड, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली आपको वेरीफाई कर देंगे। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, अब जैसे ही यहाँ पे आपको अगर रिजेक्ट होता है तो आप दोबारा आप पैन कार्ड से करो, आधार कार्ड से करो, दो एक बार में आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ऊपर आपको स्टार भी मिल जाएगा 6, ठीक है। और वेट करना है KYC कंप्लीट होने का। जो पिछली बार यहाँ पे आपने क्लिक किया था ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी पेंडिंग शो होगी, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये सारा कुछ शो हो जाएगा। ओके, कोई भी दिक्कत आए, अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे देख रहे हो तब भी यहाँ पे मुझे टैग करके SMS कर देना।